जिला हमीरपुर की पुलिस चौकी बिजड़ी के तहत स्थानीय कस्बा में किराए के कमरे में रह रहे आयुर्वेदिक चिकित्सक ने देर रात फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र दंगोटा में तैनात था, वे डिप्रेशन में था। पुलिस को मृतक के शव के पास सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मृतक ने डिप्रेशन व सिर दर्द को अपनी मौत का कारण बताया है। वही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। जिला हमीरपुर की पुलिस चौकी बिजड़ी के तहत स्थानीय कस्बा में किराए के कमरे में रह रहे आयुर्वेदिक चिकित्सक ने देर रात फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र दंगोटा में तैनात था, वह डिप्रेशन में था। पुलिस को मृतक के शव के पास सुसाइड नोट में मिला है, जिसमें मृतक ने डिप्रेशन व सिर दर्द को अपनी मौत का कारण बताया है। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि आप मुझे नहीं बचा सकते, डिप्रेशन ने मुझे मारना ही है, प्लीज फॉरगिव मी। उसने सुसाइड नोट में अपने बच्चों व पत्नी की तारीफ की और माफी मांगी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। डॉक्टर आदित्य शर्मा पुत्र योगराज निवासी गांव यानवी डाकघर दमरोल तहसील बोरंज आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र दंगोटा में तैनात था। वह बिजड़ी में किराए के कमरे में रहता था। घटना के समय उसकी पत्नी अपने 2 माह के बेटे और 4 साल की बेटी के साथ मायके में थी। वह 24 दिसंबर को अपने ससुराल गया और रात वहां गुजारने के बाद 25 दिसंबर सुबह अपने किराए के कमरे में आ गया। 25 दिसंबर को करीब 2:30 बजे उसकी बात उसकी पत्नी से हुई और उसने कहा कि वह अभी आराम कर रहा है और शाम को वहां आ जाएगा, लेकिन 5 बजे के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। जब शाम को वे ससुराल नहीं पहुंचा तो उसका ससुर व पत्नी किराए के कमरे में पहुंचे, जहां देखा कि फंदे से जूझ रहा था। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।